कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ महिला कर्मचारी ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद सभी जानना चाहते थे कि आखिर उस सीआईएसएफ महिला कर्मी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। तो अब रिपोर्ट्स आई हैं कि महिला के खिलाफ दो सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि पुलिस ने अभी महिला को गिरफ्तार नहीं किया है। एक रिपोर्ट में ट्वीट किया गया है कि मोहाली पुलिस सोर्स के मुताबिक सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल जिन्होंने बीजेपी लीडर और एक्टर कंगना रनौत को आईपीसी के सेक्शन 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया, हालांकि उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कंगना ने दिल्ली पहुंचते ही अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में कंगना ने बताया था कि वो एयरपोर्ट पर चेकिंग करके जा रही थी, तभी दूसरे कैबिन में बैठी सीआईएसएफ महिला मेरे उनके पास से जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं उनके पास से गई तो उन्होंने मेरे चेहरे पर मारा। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैं पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर परेशान हूं। कंगना के इस थप्पड़ कांड पर अब तक कुछ सेलेब्स के रिएक्शन आए हैं। रवीना टंडन, उर्फी जावेद और विवेक अग्निहोत्री ने जहां कंगना को सपोर्ट किया, वहीं सिंगर विशाल डडलानी ने सीआईएसएफ महिला का। कंगना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो अब फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी। फिल्म को कंगना ही डायरेक्ट कर रही हैं, जिसमें उनके साथ सतीश कौशिक, अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तलपड़े बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।